वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विद रेस्पेक्ट टू द सेल्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जितने भी हमारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन्स, ये सब आइंस हैं और ये कंसंट्रेशन अमाउंट उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल हमारी सेल्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट हमें प्रॉपर तरीके से फंक्शन प्ले कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से सेल अपना फंक्शन कर पाती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्टेशन या कहीं एक्युमुलेशन हो जाता है तो उससे प्लांट सेल में कोई डिफेक्ट, सेल कोई सेल कोई सेल में कोई फंक्शन में डिफिशेंसी जाएगी या फिर फंक्शन डिस्टर्ब। सो वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सबस्टेंस डेट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर एंड दे आर इसेंशियल फॉर ए नंबर ऑफ द बॉडी फंक्शंस। इलेक्ट्रोलाइट वो सबस्टेंस है जब हम किसी वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और उस वाटर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है तो यानी कि वो सभी सॉल्ट क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। दे आर इसेंशियल फॉर ए नंबर ऑफ द बॉडी फंक्शन। बॉडी बेस टाइप के बॉडी फंक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। द मेन इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी आर द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ईटीसी एट्सेट्रा। ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो मेजोरिटी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और डिफरेंट फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आइंस इन द ब्लड। मेनली अगर हम देखेंगे तो जब हमारी इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट है, सेल के अंदर वाला कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है, सेल के बाहर कंपार्टमेंट है, उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट होता है, वो हायर अमाउंट में पाया जाता है। वाइल जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी कि कंसंट्रेशन की कौन कौन से सॉल्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं। अब बात करें बैलेंस बिटवीन दीज इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द बॉडी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ गुड ब्लड। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सेल के बाहर या सेल के बाहर अंदर प्रेजेंट है, उनके बीच में एक मेंटेन एक बैलेंस होना जरूरी है। सेल के पूरी बॉडी में इन इलेक्ट्रोलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन में एक बैलेंस होना जरूरी है फॉर द एसेंशियल ऑफ द गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के वन बाई वन बात करूँगा। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम इज अ वाइटल मिनरल्स डेट ए डेट योर बॉडी इज़ यूज टू स्टेबलाइज द ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। इट आल्सो यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम क्या है? वाइटल एक मिनरल्स है जो कि बॉडी को ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करना, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारी डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट बोन्स और टीथ को भी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए क्लोराइड, क्लोराइड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड। बॉडी फ्लूड के प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए क्लोराइड आइंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आइज ए क्रिटिकल मिनरल्स डेट रेगुलेट द मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी मैग्नीशियम की हेल्प से होता है कुछ हद तक। हार्ट रिदम जो होती है वो मैग्नीशियम कंट्रोल करती है। नर्व फंक्शन होते हैं वो भी आपके मैग्नीशियम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो पोटेशियम की बात में, तो पोटेशियम इज ए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेटिंग हार्ट फंक्शंस। डिफरेंट टाइप की हार्ट की रेगुलेटिंग एक्टिविटी के लिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट आल्सो हेल्प्स मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ नर्व मसल्स। ये आपकी नर्व्स के लिए, नर्व्स मसल्स के लिए के हेल्दी रखने के लिए, नर्व्स की हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है। जैसे अगर होम्योपैथी में हम गएंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड के नाम से, पोटेशियम के नाम से बहुत सी जो आती हैं प्रिपरेशंस जो कि हमारे नर्व्स के डिसऑर्डर में भी आती है। तो नर्व्स को मेंटेनिंग या मैचुरेशन के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है। सोडियम इज नीडेड टू द बॉडी टू मेंटेन द बॉडी फ्लूड बैलेंस। इज ए क्रिटिकल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। इट इज ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट द नर्व फंक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। जितने भी सोडियम की नेसेसरी भी बहुत जरूरी, सोडियम पोटेशियम मेली नर्व्स के कंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम तो हमारी बॉडी में आसानी से ज़्यादा कमांड होता है, पोटेशियम की भी डिफिशियंसी हो जाती है। सोडियम जरूरी है बॉडी फ्लूड के बैलेंस के लिए, साथ में नर्व्स के कंडक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसके अलावा जो लास्ट साल बचता है वो आपका क्या है, फास्फेट। फास्फेट क्या है? किडनी
लास्ट सॉल्ट इज द फास्फेट द किडनी बोन्स इंटेस्टाइन वर्क टू बैलेंस फास्फेट लेवल इन द बॉडी। किडनी है वो भी हमारे फास्फेट लेवल को बॉडी मेंटेन करती है। फास्फेट भी बोन्स में ही फास्फेट का यूटिलाइजेशन होता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। इंटेस्टाइंस भी फास्फेट को एब्जॉर्प्शन में और बैलेंस में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी में काम करती है। फास्फेट इज नेसेसरी फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन इंटरेक्टिंग क्लोजली विद द कैल्शियम। बहुत सारे फंक्शन में काम होता है, ओबियसली कैल्शियम के साथ में यूटिलाइज करती है। जैसे कैल्शियम फास्फेट होता है बोन्स को मॉडिफिकेशन या बोन में बोन के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए कैल्शियम फास्फेट एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है। फास्फेट कैल्शियम के साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्म। तो ये आज आपका पूरा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स भी। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर द फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ सेल इंजरी एंड सेल रिप्लिकेशन इज टूडे कम्प्लीट। अगर मैं बात करूँ कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पैथोफिजियोलॉजी की सिलेबस के अकॉर्डिंग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट के दो चैप्टर हैं, एक है सेल इंजरी सेल एडेप्टेशन और दूसरा है आपका इन्फ्लामेशन के बारे में। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका बी फार्मा सेल इंजरी सेल एडेप्टेशन इट इज कम्प्लीट। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हों तो अच्छी बात है, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो आपको चीज़ें समझ में आई हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने कलीग के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।